नमस्कार। चंद्रपुर में लोकसभा के मतदान शुरू है और आज दोपहर करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर एक मैं मराठी सिटी स्कूल में खड़ा हूँ, हिंदी सिटी स्कूल में, जहाँ पर एक घटना हुई है। खोली क्रमांक 6 में यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने आके काफ़ी हंगामा किया। कारण था कि जो बैलेट पेपर की लिस्ट बनती है उस लिस्ट पर कैंसल का जो सिक्का होता है वो कांग्रेस उम्मीदवार के नाम के सामने मारा गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और नेताओं का ये बोलना था कि इस वजह से संभ्रम पैदा हो सकता है कि हमारे उम्मीदवार ने नाम वापस तो नहीं ले लिया। इस वजह से काफ़ी देर यहाँ पे हंगामा हुआ। यहाँ पे तहसीलदार श्री विजय पवार को, चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक को आना पड़ा और अंत में सभी रूम के सामने के लगे वाले सारे बैलेट पेपर निकाले गए और यह संभ्रम दूर किया गया। साथ ही हमें मिली सूचना अनुसार तहसीलदार जो संबंधित अधिकारी है, जो सिक्के मारता है, उस पर एक्शन भी लेने वाले हैं। मगर हमें यहाँ के पोलिंग ऑफिसर्स ने बताया कि ये सिक्के सभी रूम के सामने जो बैलेट पेपर लगे होते हैं, जो डमी होते हैं, उसे डमी बताने के लिए कैंसिल का सिक्का मारा जाता है, सिर्फ वो गलत जगह पर लगा है। ये प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए हम दूसरे सेंटर पे आए हैं। आइए इधर हम देखते हैं, यहाँ पे भी ये बैलेट पेपर लगा हुआ है और देखिए आप देख सकते हैं इस बैलेट पेपर में बीच में कैंसिल का सिक्का मारा गया है और फिर नीचे भी मारा गया है। इसी तरह कुछ घाई घाई में हिंदी सिटी में ऊपर एक नंबर के उम्मीदवार के सामने ये सिक्का मार दिया गया था, जिस वजह से ये कन्फ्यूजन तैयार हुआ है। एक और जगह पे अम्बेडकर कॉलेज में हमें ये सेम प्रोसेस देखने मिली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंसिल का सिक्का बीच में और आखिरी में फिर से मारा गया है। तो ये समझ में आता है कि ये प्रोसेस ही होती है, सिर्फ ये सिक्का ऊपर नीचे मारने में वहाँ पे कन्फ्यूजन होने की वजह से ये हंगामा खड़ा हुआ। उम्मीदवारी वापस घेतलेली आहे का? आम्ही उमेदवारी वापस घेतलेली आहे का? मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे की प्रतिभादाईंनी कॅन्सल चिक्का मारलेला आहे, कदाचित प्रतिभादाईंनी वापस घेतलं की काय, अशा प्रकारचा संभ्रम मतदारांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे आम्ही लगेच या ठिकाणी आलो। चंद्रपुर के हम सभी, मगर अभी हाल फिलहाल माहौल शांत है, अच्छे से मतदान हो रहा है, धूप काफी तगड़ी है। दोपहर 3 बजे तक 43.48% का, यानी तकरीबन 44% का मतदान चंद्रपुर में हो गया है और लगता है कि इस बार भी 65 के आसपास ये मतदान जा सकता है। मैं वार्ताचार समाचार के लिए राजेश नायडू, सत्य परमधर्म।